रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें निर्जला एकादशी व्रत और इस व्रत की महिमा। यह व्रत 12 जून 2019 बुधवार को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में व्रत का एक अलग महत्व है। उपवास करने की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विशेषताएँ हैं। सभी व्रतों में एकादशी के व्रत को बहुत मान्यता है। माना जाता है कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का उपवास करने से परम पुण्य फल की प्राप्तियां होती हैं। इस एकादशी का व्रत करना सभी तीर्थों में स्नान करने के समान होता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि भूखे न रहने वाले 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन कर फलस्वरूप मृत्यु के बाद में स्वर्गलोक को प्राप्त किया था, इसीलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस दिन जल कलश गाय का दान बहुत पुण्य देने वाला माना गया है। वही निर्जला एकादशी के दिन खाने के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में पानी भी नहीं पिया जाता है, यानी निर्जला रह करके बिना जल को ग्रहण किए इस व्रत को किया जाता है। और मित्रों, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इस व्रत को भूखे न रहने वाले पांडवों में जो भीम थे उन्होंने इस व्रत को किया, क्योंकि भीम कभी भूखे नहीं रह सकते थे। और जब उन्होंने इस व्रत को किया तो मृत्यु के बाद उन्होंने स्वर्ग में अपना स्थान प्राप्त किया। तो मित्रों, ये निर्जला एकादशी व्रत का महत्व केवल मैंने बताया कि इसको करने से क्या परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगा।